आमिर, शादी की एनिवर्सरी थी आज। हैप्पी एनिवर्सरी। तुम आज भी भूल गए? सोनिया, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं कि मुझे ये चोंचले पसंद नहीं है। हर साल इसका ढंडोरा पीटकर कौन सा मेडल मिल जाना है? हाँ, और जो इंसान को इन छोटी चीजों से खुशी मिलती है वो। हाँ, मुझसे तो तुम्हें कभी कुछ नहीं मिला है ना। यू नो व्हाट, ऐसा घर, ऐसा ऐशो आराम, लोग तरसते हैं सबके लिए। मुझे ये सब नहीं, आपकी अटेंशन और आपका साथ चाहिए। और मुझे औलाद चाहिए जो तुम मुझे नहीं दे सकती। अगर अल्लाह ने मेरे नसीब में माँ बनना नहीं लिखा तो मैं वो खुशी आपको कहाँ से दूँ? फाइन, तो फिर मुझसे भी उन खुशियों की उम्मीद ना रखो जो मैं नहीं दे सकता। तुम गाड़ियों का बिजनेस करती हो ना, जहां तुम्हारा दिल करे अपनी मर्जी से आती हो जाती हो। मैंने कभी रोका? जो मैं कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ सोनिया। ज्यादा बना मत, मेरे हर काम में तुम्हारी मर्जी शामिल है, लेकिन तुम्हारे किसी काम में मेरी मर्जी शामिल नहीं है। मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है। रात को जो तुम अयाशियां कर रहे होते हो ना, और जिसके साथ कर रहे होते हो, मैं सब जानती हूँ। जानती हो तो जानती रहो, आई डोंट केयर, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बैठो। बम्पर टू बम्पर जेन्युइन गाड़ी है, आंखें बंद करके ले लो। गाड़ी तो बहुत अच्छी है, मुझे इसकी प्राइस का बताओ। हाँ, प्राइस, वेल इट्स BMW 2004 मॉडल, ब्लैक कलर, इमैकुलेट कंडीशन। मार्केट प्राइस इज 27 लाख रुपीस, आपके लिए पूरे 2 लाख रुपए कम, सिर्फ 25 लाख। I don't know कि तुम हर बार इस तरह क्यों करते हो। हर बार तुम अपना लॉस करते हो, तो मुझसे भी तो कमा सकते हो। कमाने को पूरी दुनिया पड़ी हुई है, और वैसे भी मैं दोस्तों पर पैसे या कारोबार को तरजीह देता नहीं। फिर भी तुम अपना लॉस क्यों कर रहे हो? मैं कोई लॉस नहीं कर रहा हूँ। यकीन करो कि मैं जितने की गाड़ी खरीदता हूँ तुम्हें उतने की ही दे देता हूँ। Right. But honestly, thank you so much. तुम एक्चुअली बहुत अच्छे दोस्त हो। थैंक यू की कोई बात नहीं है। बाकी मैंने एक बात कहनी थी कि उस दिन मैंने कुछ कहा था तुमसे, उस बात का बुरा मत मनाना, मेरा कोई गलत मतलब नहीं था उसमें। मैं चलती हूँ, देर हो गई काफी, और कल आके ले लूंगी गाड़ी में। ठीक है, अपना ख्याल रखना। पगली, तुझे कभी नुकसान पे गाड़ी बेचूंगा? वैसे तुम किसी को भी चूना लगाने से बाज नहीं आते, फिर इस और परी से क्यों नुकसान करवाते? बैठ, बताता हूं। अब बताओ। बात यह है मेरे दोस्त के, दूर के फायदे के लिए छोटा मोटा नुकसान कर लेना चाहिए, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तू बता कैसे आया? तेरी बीवी ने केस कर दिया तेरे पे। तो मेरे भाई, जिस मुल्क में सियासतदानों पे केस हो गए हो, उधर मेरे पे केस हो जाना क्या है? समझता
चल अब तफसील से बता अब क्या कह रही है। दिल तो पहले ही तुम्हारे नाम कर चुका, बस अब जान करनी बाकी। आमिर मुझे कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा, कहीं तुम्हारी वाइफ ना आ जाए। अरे डोंट यू वरी, आमिर ही तो क्या बिगाड़ लेगी ना? ठीक है, अगर तुम किसी और औरत को मेरे ही घर में मेरे ही बिस्तर पे लेकर आओगे तो मैं तुम्हें क्या कह दूंगी? तो ये है तुम्हारी खुशी, तुम इसके साथ घर से बाहर तो दिल बहला रहे थे, अब तुम इसको घर में लाने लग गए हो? अब तुम जा नहीं रहे तो फिर ये भी सुन लो, मैं और नीला शादी कर रहे हैं। नहीं तुम मजाक कर रहे हो है ना? नहीं तुम मेरे घर से बाहर निकलो, बाहर निकलो मेरे घर से। ये कहीं नहीं जाएगी और ये तुम्हारा घर नहीं है। तो किसका है? मेरा। तो मेरा क्या है? मैं सब कुछ छोड़ के तुम्हारे लिए यहाँ पर आई हूँ और आज तुम मुझे मेरी नजरों में गिरा रहे हो। सोनिया मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन अगर तुम जाना चाहोगी तो मैं रुकूंगा नहीं, फैसला तुम्हारा है। चलो नीला। और मुझे औलाद चाहिए जो तुम मुझे नहीं दे सकती। अगर अल्लाह ने मेरे नसीब में मां बनना नहीं लिखा तो मैं वो खुशी आपको कहां से दूं? फाइन, तो फिर मुझसे भी उन खुशियों की उम्मीद ना रखो जो मैं नहीं दे सकता। अब तुम जाने लगे तो फिर ये भी सुन लो, मैं और नीला शादी कर रहे हैं। मैं पसंद करने लगा हूँ। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं शादीशुदा हूँ और तुमने इस तरह की चीज सोची भी कैसे? मैंने बहुत सोचा कि ऐसा कुछ मत कहो, लेकिन अब कह दिया है तो प्लीज मुझे गलत मत समझना। मैं यहाँ पे गाड़ी की बात करने आई हूँ, बेहतर है कि हम उसी बारे में बात करें। उसके अलावा ना मैं कोई बात सुनूंगी और ना मैं इस टॉपिक में बात करना चाहती हूँ। आमिर को बहुत पहले से जानता हूँ, बहुत मतलब उसे लड़कियों के साथ देखा है। तुम्हें बताया इसलिए नहीं, कहीं तुम ये ना समझो कि तुम्हारा दिल उससे खराब करके अपने लिए जगह बना रहा। मुझे इस तरह की बात कहने का कोई हक तो नहीं है, लेकिन मेरा बस चले ना, एक लम्हा भी मैं तुम्हें उसके साथ ना रहने दूँ। तुम वैसे इतनी हमदर्दी क्यों? हमदर्दी नहीं, मोहब्बत। पसंद करता हूँ तुम्हें, ये जानते हुए कि मैं मां नहीं बन सकती। जो चीज इंसान के इख्तियार में ना हो तो इंसान को अपनी किस्मत पे अफसोस नहीं करना चाहिए और ना ही अपने प्यारे रिश्तों को छोड़ देना चाहिए। कहना आसान है, कहीं ऐसा ना हो कि वक्त बदलते ही तुम भी बदल जाओ। मैं मानता हूं कि मैं आमिर की तरह अमीर इंसान नहीं, लेकिन मैं तुम्हें जिंदगी की हर खुशी देना चाहता हूं एंड आई प्रॉमिस ऐसा ही होगा। एक बार फिर सोच लो। सोचना तुमने, मैं अपना फैसला सुना चुका। तुम्हारे जवाब ने अब हमारी तकदीर लिख दी। सोनिया
मजीद, मजीद, जी साहब, जी जी साहब जी, सोनिया कहाँ है? वो बेगम साहिबा तो चली गई हैं साहब जी। चली गई हैं? कहाँ? पता नहीं साहब जी, अपना सारा सामान पैक किया और लेके चली गई। वो आपके लिए एक लिफाफा देके गई थी साहब जी। ये है साहब जी। ठीक है तुम जाओ। ठीक है साहब। ठीक, जैसे तुम्हारी मर्जी। कैसा लग रहा है? अच्छा है, लेकिन तुम कोई नॉर्मल सा घर भी तो ले सकते थे। आई मीन इसका इतना रेंट होगा। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताओ भी कि मैंने कुछ डिस्कस किया था उसके बारे में, क्या सोचा? मुझे अम्मी की प्रॉपर्टी बेचने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लेकिन क्या ट्रस्ट नहीं है क्या मुझ पर? अगर बात ट्रस्ट की होती तो मैं आमे को छोड़ के तुमसे शादी ना करती। बात इतनी सी है कि आई मीन ऐसा नहीं हो सकता कि प्रॉपर्टी बेच के आते पैसों का बिजनेस तुम कर लो और आधों का मैं कर लेती हूँ। आई मीन अगर किसी एक का बिजनेस यू नो चलता नहीं है तो दूसरा कम से कम सपोर्ट करने लायक तो होगा। ठीक है भी, गुड आइडिया। चलो फिर ऐसा है कि मैं आज प्रॉपर्टी की डील लॉक करके तो पैसे अपने काम में डलवा लेता हूँ। तुम्हें जब चाहिए होंगे ले लेना। हाउ अबाउट के हम जॉइंट अकाउंट खुलवा लें? सौदा प्रॉपर्टी का एक्चुअली बहुत अच्छा हो रहा है, ये डील हाथ से चल जाएगी। आई डोंट मिस इट। ठीक है, कॉफी पियोगी? बैठो, मैं बना के लाता हूँ। क्या हुआ तुम फ्रेश क्यों नहीं हो रही? रिलैक्स हो जाओ। असल में शाजम ने ड्रिंक की हुई थी इसलिए उसने बदतमीजी कर दी। वैसे वो बदतमीज आदमी नहीं है, परेशान नहीं हो। बस मुझे नहीं समझ में आते ये लोग, तुम चले जाया करो, मुझे ना लेके जाएगा। देखो थोड़ा टाइम वक्त गुजरेगा, वो तुम्हें समझेंगे, तुम उनको समझोगे, बस इतनी सी बात। मुझे किसी को नहीं समझना, मेरे लिए बस तुम हो, इतना ही काफी है। अगर तुम्हें ये एक्टिविटीज एंजॉय करनी है तुम अकेले चले जाओ। मेरी जान, मेरी सारी जिंदगी तुम्हारे इर्द गिर्द घूमती है, कैसी बातें कर रही है? अगर ऐसी बात है तो तुम ये पार्टीज वगैरह बंद कर दो, मुझे बहुत अजीब लगता है। अच्छा बस कल के बाद से ना सब कुछ बंद है, दोस्त शराबे पार्टियां सब कुछ खत्म। ट्रस्ट मी। पर फिर तुमने पार्टी रख ली घर पे? अरे यार स्वीटहार्ट, वो हमारी नई शादी हुई है ना, तो मैं दोस्तों से कमिट कर बैठा था, और कोई बात नहीं, कसम खाता हूँ कल के बाद से सब खत्म। प्रॉमिस। तुम्हारी जान की कसम, कल के बाद से सब खत्म। जाओ, जाके फ्रेश हो जाओ।
Let's go to sleep. John, let me tell you. John. Fresh wood. तुम्हें गलत फहमी हुई होगी, मुजम्मिल ऐसे नहीं है। मुझे यकीन था कि तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है। खैर एक वक्त आएगा जब तुम मेरी बात पर यकीन भी करोगी और मानोगी। तुम्हारे पास क्या सबूत है उसके बारे में? देखो सबूत तो मैं तुम्हें 100 दिखा सकती हूँ, मगर तुम्हारे लिए इतना ही काफ़ी होगा कि मुजम्मिल ने तुम्हें मोहब्बत के नाम पर फंसा है ताकि वो तुम्हारा यूज़ कर सके। सोनिया क्या बातें कर रही हो तुम? इतनी देर से आवाजें दे रहा हूँ, इशारे कर रहा हूँ, क्या बातें हो रही हैं? कुछ खास नहीं, मैं तो बस इससे ये पूछ रही थी कि ये इतना कम क्यों बोलती है। और तुम बहुत ज्यादा बोलती हो, आओ वेट कर रहे हैं सब वहां पे। वे जिसके लिए पार्टी रखी है वो इतनी देर से आ रही है। यार कुछ भी कहो, भाभी हैं वैसे बहुत खूबसूरत। सिर्फ खूबसूरत ही नहीं है, बहुत खूबसूरत और जान का टुकड़ा है टुकड़ा। मैं बैठो, कहाँ जा रही हो? तुम फ्री हो के आसना में जाती हो। बैठो ना। अरे चली जाइएगा, चले हमारे साथ एक ड्रिंक तो कर लें। नहीं थैंक यू। अरे तोड़ दे अपनी कसम, पी लें आप। एक ड्रिंक की बात है, पी लो। समीर कह रहा है मान लो। तुम होश में नहीं हो और कुछ नहीं, मैंने पी रही थी। मैं होश में हूँ, मैंने तुमसे वादा किया था ना कि कल से ये दोस्त पार्टियाँ शराबे सब खत्म, आज रात की बात है, पी लो। अरे मान जाइए, हमारी खातिर ना सही, अपने हस्बैंड की खातिर ही पी। यार तो ये एक ग्लास है बस, पी जाओ। खैर आज की बात है, बस पी जाओ पी जाओ पी जाओ पी जाओ पी जाओ। ओहो बहुत दूर है। हाँ ना, पहला ग्लास बुरा होता बस, उसके बाद यही अच्छा होता है। वन सेकंड वन सेकंड। Good girl, good girl, good girl. Oh, finish it completely. Finish. Good girl. You all right? मैं जरा इसको कमरे में छोड़ के आता हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आज, आज कुछ नहीं होता आज। मुजम्मिल टाइम क्या हुआ है? टाइम तो जवानी का चल रहा है। तुम मेरे कमरे में क्या कह रहे हो? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? मेरे कमरे से बाहर निकलो अभी। स्वीट हार्ट, तुम वाकई इतनी मासूम हो या फिर जानबूझकर नाटक कर रही हो? मुजम्मिल, मुजम्मिल इधर आओ, मुजम्मिल। जितनी आवाजें देनी है दे लो, वो नहीं आएगा। और हाँ, मैं अगर रात से इस कमरे में तुम्हारे साथ मौजूद हूं तो उसमें मुजम्मिल की मर्जी शामिल है।
बहुत ही अच्छा लगा। और हाँ, आइंदा ऐसी मुलाकातें चलती रहनी चाहिए। चलता हूं। टेक केयर, बाय बाय। तुमने ना सिर्फ मेरी मोहब्बत का कत्ल किया बल्कि मुझे मेरी नजरों में गिरा दिया। ये देखो, शाज़िम ने ना तुम्हें गाड़ी गिफ्ट की। आज से तुम अपनी गाड़ी में घूमोगी। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी गाड़ी, मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए था, इज्जत वाली जिंदगी चाहिए थी। मैं आमिर को सब कुछ छोड़ के यहाँ पे इसलिए आई थी ताकि मुझे इज्जत की जिंदगी मिले, और तुम मुझे इस तरह जलील कर रहे हो। अगर सब कुछ ठीक ठीक चलता रहा ना, तो बहुत जल्दी हम नया सा प्यारा सा बड़ा सा घर लेंगे अपना, और हर दो महीने के बाद हम यूरोप जाएंगे। मैं सोच नहीं सकते कि तुम इस कदर बगैरत हो सकते हो। तुम अपनी बीवी से बात कर रहे हो, तुम्हें एहसास भी है इस चीज का? नफरत हो रही है मुझे तुमसे, घिन आ रही है मुझे अपने आप से। अब कमाऊ जो हो गई है, नखरा तो करेंगी। तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारी इज्जत, अगर कमाई करानी है तो अपनी माँ बहन को लेकर आओ। बस, बहुत सुन ली तेरी बकवास, समझी? प्यार से बात करो, मेरे सर पे सवाल हो रही है। हाँ, करना तुझे वही होगा जो मैं कहूंगा, पर मार के ऐसी जगह फेंकूंगा ना कि तेरे फरिश्तों को भी पता नहीं चलेगा। पर हाँ, शराफत से हाँ में हाँ मिलाएगी ना, तो जो होगा इस चार दीवारी के अंदर होगा, वरना सरेआम नीलाम कर दूंगा। समझ गई? और एक बात और याद रख, आइंदा सर उठाया ना, दुनिया से उठा दूंगा। तैयार हो शाम के लिए? कुछ नहीं होता, लेकिन ऐसे भी नहीं होता ना। हाँ मान जाओ, बिल्कुल मुनासिब पैसे कह रहा हूँ, कुछ नहीं होता। अरे एक चीज मैं भूल जाऊंगा फिर, लास्ट टाइम ही तेरे घर से कंप्लेन आई थी, सर्विस सही कर भाई अपनी। हाँ, वरना हम सर्विस दे नहीं सकेंगे। हाँ कुछ नहीं होता, ख्याल रख बस। खूबसूरत लग रही है, लगता है आज मेरे पास बहुत सारे पैसे आने वाले हैं। तुमने इसीलिए शादी की थी ना मुझसे, कभी मोहब्बत तो नहीं थी तुम्हें? मोहब्बत मैं तुमसे बहुत करता हूं,
तभी तो तुम्हें अच्छा फ्यूचर देना चाहता हूँ। जैसे सना को दिया था। सना? तुमसे किसने कहा? जिनके पास भेज दो उन्होंने। चलते हैं वो मुझसे, बकवास करते हैं। तुम्हारा और उसका केस चल रहा है अदालत में, उसकी भी प्रॉपर्टी यूज की थी तुमने। तुम्हारे अलावा डार्लिंग मेरी जिंदगी में और कोई नहीं। बस कर दो तुम। तुमने सना को भी ऐसे यूज किया था, उसकी भी प्रॉपर्टी तुमने ऐसी ली थी। किया था इस्तेमाल, शादी की थी, इस्तेमाल किया था उस औरत को। और जरूरत पड़ेगी ना तो तीसरी शादी करूंगा। क्या कर लेगी तू? हाँ, क्या करेगी? करना मुझे नहीं है, करना तुम्हें होगा। मैं तुम्हारी इस गंदगी का हिस्सा नहीं बनूंगी अब। देखो, बनना तो तुम्हें पड़ेगा, और कोई हल नहीं है तुम्हारे पास, वरना क्या करोगे? हाथ पांव तोड़ोगे? मारोगे मुझे? मार दो, जान से मार दो। मुझे वैसे भी अपने आप से घिन आने लगी है अब। नहीं मारता, इधर आ। नहीं मारता, नहीं मारता, इधर बात सुनना मेरी। नहीं मारता, बात सुन, रिलैक्स, बात सुन। अभी जाओ, देर हो रही है। हाँ, अभी जाके ना तुम शहजाद साहब से मिलके आ जाओ, रात में जैसे को हम कर लेंगे। जाओ, देर हो रही है। बाहर में जाए तुम्हारे शहजाद साहब, नहीं जाओगी? बहुत तंग करती हो तुम, खुदा की कसम, जाना तो तुम्हें पड़ेगा। जाना तो पड़ेगा, मैंने जुबान दी है। गाएगी तो तू? जाएगी? तुझे पहले भी समझाया था कि आइंदा सर नहीं उठाना मेरे आगे, दुनिया से उठा दे। पर खैर तेरी। तेरी खूबसूरती मेरी ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकती। अगर आप किसी को मदद के लिए बुला सकती हैं तो बुला लें। हेलो, आयशा, मैं सोनिया बात कर रही हूँ। प्लीज मुझे बता लो, प्लीज जल्दी आ जाओ, प्लीज जल्दी आ जाओ, मुझे मार देगा वो, प्लीज आ जाओ। साहब तो घर पे नहीं है। मुझे तुम्हारे साहब ने ही भेजा है, सोनिया से जरूरी काम है। अच्छा ठीक है। ये सब कुछ किसने किया सोनिया? तुम्हें पता है किसने किया? प्लीज चलो यहाँ से। तुम चलने वाली करो, ऐसा ना हो कि मुजम्मिल आ जाए। सुनो कुलसुम, प्लीज इसका दुपट्टा और चप्पल ला के दो। जल्दी लाओ।
अगर वो ये सब जबरदस्ती करवाता रहा तो भागने में इतनी देर क्यों करती? कहीं ऐसा तो नहीं इस सब में आपकी अपनी मर्जी भी शामिल थी? आप FIR लिखेंगे या सिर्फ बातें ही करते रहेंगे? देवी, जब तक पूरा वाकया पता नहीं चलेगा तो FIR कैसे काटेंगे? वैसे अभी तक कितने बंदों से मिली हो? 10, 20, 50 या इससे भी ज्यादा? ये है आपकी इन्वेस्टिगेशन? बजाय इसके कि आप उसके खिलाफ कोई एक्शन लें, आप इसकी किरदार किसी करने पर डटे हुए हैं। बेबी, थानों में एक्शन तब लिया जाता है जब कुछ दिया जाए। एक 20,000 दे दो फिर लेते हैं एक्शन, लेते हैं। फिलहाल हमारे पास इतने पैसे नहीं है। ऐसे कैसे पैसे नहीं है, ये क्या बात हुई? लाखों कमाए हैं इसने, एक 20,000 तो दे ही सकती है ना? कोई फायदा नहीं है, सब की तरह इन लोगों का जमीन पे मर चुका है। स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। अब तुम क्या करोगे? मैं आर्किस मीडिया के सामने नहीं आना चाहती थी, लेकिन मुझे और कोई रास्ता नजर नहीं आया था। मुझे लगा कि मुझे यहाँ पे इंसाफ मिलेगा, इसलिए मैंने आज सारी सच्चाई दुनिया को बता दी। जैसा कि नाज़रीन आप लोगों ने देखा कैसे पुलिस को खरीदा गया और कैसे हवा की बेटी के साथ जबरदस्ती की गई। हम हुकूमत से अपील करते हैं कि मुजम्मिल को इबरत का निशान बना दिया जाए ताकि फिर किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद ना हो। बहुत गलत किया है तुमने मीडिया पे आके। ये आज जो लोग हमदर्द बन रहे हैं ना तेरे, यही थू-थू करेंगे। बहुत गलत किया तुमने सोनिया। वेलकम टू सोशल मीडिया। ये वीडियोस तुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेंगी। यार तूने वो सोनिया की नई वीडियो देखी? कैसी करप्ट हो रहा था यार। क्या बात कर रहा है यार, उसके साथ तो बड़ी ज्यादती हुई है। कहाँ की ज्यादती है, चेक कर देख क्या गुल खिला रही है। देख यार। तो क्या जमाना आ गया यार, इस तरह की लड़कियों ने मुल्क का नाम बदनाम कर दिया। अरे यार क्या वीडियो है, व्हाट्सएप करना मुझे। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ ना ठीक ठीक है। जमील तो बड़ा कमीना है, इसे भी नहीं बख्शा। वैसे ये पीस बड़ा टाइट है। सारा मीडिया आपका साथ देता रहा और आप हम सबको गुमराह करती रही। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब तो
इस मुजम्मिल की साजिश है। किसी की साजिश नहीं है, आपकी वीडियो चीख चीख कर कह रही है कि जो कुछ भी आप करती रही हैं, अपनी मर्जी से करती रही हैं। देखिए, असलियत तो ये है कि असलियत तो मैं बताती हूँ, जो आप सबसे छुपाती रही हैं। आपने पहले भी एक शादी कर रखी थी और तलाक की इद्दत पूरी होने से पहले ही आप मुजम्मिल के साथ रहने लगी थी। बगैर हकायक के आप इतने संगीन इल्जाम मेरे पे कैसे लगा सकती हैं? तो आप पहली शादी से इनकार करती हैं? नहीं नहीं, मैं इनकार नहीं करती, लेकिन तो बाकी बचा क्या? पहले शौहर के साथ धोखा किया, दूसरे शौहर के साथ मिलकर लोगों को फंसाया, और अब जब पकड़ी गई हैं तो मासूम बनने का ढोंग कर रही हैं। कुछ नहीं किया मैंने, खुदा का वास्ता मेरे पे यकीन करें, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो सिर्फ यहाँ पे आप लोगों से इंसाफ मांगने आई थी, खुद को जलील करवाने नहीं आई थी। पहले ऐश करती रही हो और अब गलती भी नहीं मान रही। मुझे तो लग रहा है अपने बाल भी तुमने खुद ही काटे होंगे ताकि आवाम के सामने सच्ची बन सको। अब खामोश क्यों हो? जवाब दो, बोलती क्यों नहीं? बोलो, बोलती क्यों नहीं? तो देखा नाजरीन, जब किसी को आईना दिखाओ तो वो शो छोड़कर भाग जाता है। हमारा मकसद सच सामने लाना, जो कि हम लाते रहेंगे। आखिरी उम्मीद थी मेरी। तुम परेशान नहीं हो, हम कोई दूसरा रास्ता निकालेंगे। तुम तो वही थी वीडियो वाली लड़की। अबे हाँ, ये तो वही है यार। क्या है रास्ता? क्या हुआ? इतना सब कुछ होने के बाद भी देखो कितना अकड़ के चल रही है। ये है ही किसी घटिया खानदान की, जरा शर्म होती डूब के मर जाती। ठीक कह रही हो बहन, अल्लाह ऐसी औलाद किसी को ना दे, अगर दे भी दे पैदा होती मार दे। मेरा लाइफ आने का मकसद किसी को सफाई देना या इंसाफ मांगना नहीं है। आप लोगों ने मुझे कलंक का नाम दिया है। मेरा मानना यह है कि अगर मैं कलंक हूं तो हर वो मर्द कलंक है जो औरत को एक बिस्तर की चादर से ज्यादा नहीं समझता। हर वो इदारा कलंक है जो इंसाफ के नाम पे जालिमों की रखेल बना बैठे। हर वो नारा कलंक है जो औरतों के हकूक के बारे में बात करता। सब बातें हैं ना आप लोगों की, सब बातें। आज तो मैं हूं जो सामने आ गई। कभी सोचे मुझे जैसी ना जाने कितनी औरतें होंगी जो इस डर से आप लोगों के सामने नहीं आती कि उन लोगों को भी कलंक साबित कर दिया जाएगा। लोग क्या, ये सारा मुआशरा कहता है कि मैं इस दुनिया में रहने के काबिल नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अब ये मुआशरा ही रहने के काबिल।